नागपुर में रामनवमी के पावन पर्व पर पोदारेश्वर राम मंदिर में हर्षोल्लास के साथ रामलला का भव्य जन्मोत्सव मनाया गया। इसके साथ ही राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के विग्रह का पूजन वैदिक मंत्र उच्चार के बीच हुआ। इसी दौरान सरसंघ चालक मोहन भागवत, पंजाब के राज्यपाल बनवाल पुरोहित, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस द्वारा रामलला की आरती उतारी गई। पूजन के बाद जय श्री राम की जय घोष करते हुए अतिथियों ने भगवान राम के रथ को खींचते हुए शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। रामलला का प्रात पूजन भी हुआ। भजन कीर्तन की इस सुंदर मंगलमय वातावरण आज शाम 4 बजे श्री रामलला नगर भ्रमण के लिए अपना आशीर्वाद प्रदान करने के लिए प्रस्थान करेंगे। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित जी, श्री नितिन जी गडकरी जी, देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे आदरणीय श्री मोहन भागवत जी, इनके हाथों से इस रथ यात्रा का शुभारंभ होके ये पोदारेश्वर राम मंदिर से होते हुए बड़कस चौक, महल, बरडी और मेन रोड होते हुए फिर से ये पोदारेश्वर राम मंदिर जाएंगे।